नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको गोल्ड के ऊपर एक सबसे बड़ी रिपोर्ट बताने वाले हैं, जहां पर आप ये जान पाएंगे कि क्या आने वाले समय में गोल्ड की चमक और बढ़ने वाली है और पिछले कुछ महीनों में गोल्ड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। काफी चौंकाने वाले, काफी दिलचस्प रिपोर्ट हम आपको इसके ऊपर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर तीन बंपर कॉल पे कि कहां पर आपको सबसे ज्यादा मुनाफा इंट्राडे में मिल सकता है। आज की पहली कॉल है क्रूड इंडिकेटर डेरिवेटिव की, जहां पर 3070 के स्तर पर बिकवाली की राय दी गई है। 3000 का टारगेट होगा, 3110 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कारोबार के मौके इंट्राडे में हो सकते हैं आज के लिए, और ये कॉल है निकिल, जहां पे 672 के स्तर पर आप बाई कर सकते हैं। 698 का टारगेट होगा, 658 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल सोया ऑयल, जहां पर 634 के स्तर पर बिकवाली की राय है। 629.50 के स्तर का टारगेट होगा और 637 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं गोल्ड के बारे में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट। और सबसे बड़ी खबर गोल्ड पर यह है कि गोल्ड के आगे निवेश के सारे रिटर्न फीके पड़ गए हैं। 6 महीने में सोने में सेंसेक्स के मुकाबले करीब 6 गुना मुनाफा मिला है और एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव करीब 28% तक बढ़ा है। जोरदार तेजी आई है। इस दौरान सेंसेक्स में महज 5-6% की तेजी आई है, जबकि गोल्ड में करीब 28% की तेजी है। आपको बता दें कि चांदी में सेंसेक्स के मुकाबले करीब 8 गुना ज्यादा मुनाफा मिला है और इस दौरान चांदी का भाव करीब 40% तक उछला है। इस साल निफ्टी में करीब 6% की तेजी आई है। हमारे साथ 4 एक्सपर्ट इस पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के, साथ ही हमारे साथ शमिक बोस हैं कमोडिटी एक्सपर्ट कोलकाता से, हमारे साथ हरीश जी हैं इंडिट्रेड डेरिवेटिव के, विनीता आडवाणी हैं, और साथ ही हमारे इन हाउस रिसर्च एनालिस्ट प्रदीप जुड़े हैं हमारे साथ। सबसे पहले प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे, आपने ये रिसर्च निकाला है, काफ़ी दिलचस्प है ये आंकड़े कि सेंसेक्स के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा मुनाफा गोल्ड में पिछले 6 महीने में मिला है। निवेश के और कौन कौन से विकल्प हैं जो गोल्ड के सामने बोल्ड हुए हैं? यूएस पिछले 6 महीने में यूएस जो बॉन्ड है उसका रिटर्न जो है 0.80% सिर्फ है, और यूएस जो जर्मन बॉन्ड है उसमें 0.073% की गिरावट आई है, जबकि डॉलर करीब 2.5% गिरा है। इसके अलावा एन जो है एन में केवल 17% को उछाल आया और बाकी सारे गोल्ड के आगे बोल्ड हो गए हैं। जी, तो निवेश के सारे विकल्प गोल्ड के सामने बोल्ड हुए हैं। किशोर नारने, क्या लगता है आपको, क्योंकि गोल्ड के ऊपर जिस तरह से हमने देखा है कि ब्रेक्जिट के बाद तमाम जो एजेंसियां हैं उनका ये कहना है कि गोल्ड में और तेजी आएगी, निवेश मांग गोल्ड की काफी बढ़ रही है, आपका असेसमेंट क्या है? गुड मॉर्निंग। आपको अगर याद है तो पिछले साल अक्टूबर नवंबर दिवाली के टाइम पे हम लोग ने बोला था कि 2016 का सबसे बेस्ट एसेट क्लास गोल्ड रहेगा, और अच्छी बात यह है कि गोल्ड ने परफॉर्म कर चुका है। और बुरी मतलब जो इन्वेस्टर्स अभी रियलाइज करने लगे हैं, और पिछले हफ्ते पिछले क्वार्टर में स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट डिमांड आया है ग्लोबली, ETF मान लो या बार और कॉइन डिमांड मान लो, वो बहुत अचानक से डबल हो चुका है। अगर आप क्वार्टरली डिमांड देखें तो 200-250 टन के आसपास का इन्वेस्टमेंट डिमांड होता था, अभी ये जो जैन टू मार्च क्वार्टर में 600 टन के ऊपर चला गया। तो वो क्लियरली बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लो बहुत आ रहा है, और गोल्ड बहुत छोटा सा एसेट क्लास है। अगर कंपेरेटिवली आप यूएस बॉन्ड से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत छोटा एसेट क्लास है, और छोटा पैसा भी इसमें बहुत बड़ा हलचल मचा सकता है। और मेरा मानना ये है कि हम लोग अभी तो शुरुआत है, और आगे 1450-1470 तक भी हम लोग ये साल अंत तक ही देख सकते हैं। ठीक है, 1450 और 1470 तक का स्तर आप कह रहे हैं कि देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट यहाँ पर प्रदीप ने निकाली है। प्रदीप, और जो बड़ी एजेंसियां हैं, जो बड़े एक्सपर्ट हैं, वो गोल्ड को लेकर क्या कह रहे हैं? ठीक है, पिछले 6 महीने में करीब 28% की तेजी आई है गोल्ड में, लेकिन आगे के लिए मार्केट के एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? क्या बाजार की ये रफ्तार कंटिन्यू रहने वाली है? रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया है? दुनिया के जो सबसे बड़े बुलियन एक्सपर्ट हैं स्टोफेरले, उन्होंने अपने 10वें एडिशन में कहा है कि अगले 2018 तक सोने का भाव $2300 तक जा सकता है, यानी जो मौजूदा लेवल है उससे करीब $1000 की तेजी दिख सकती है सोने में। इसके अलावा मार्क फेबर जो दुनिया के अरबपति निवेशक हैं, इस जैकलिन हो गए, और गोल्डमैन सैक्स जो निवेश बैंक है, दुनिया के माने हुए बैंकों में से एक है गोल्डमैन सैक्स, इनका मानना है कि सोने में आगे तेजी दिखेगी और ये तेजी थमने वाली नहीं है।
ठीक है, काफी महत्वपूर्ण बात, $2300, ये काफी चौंकाने वाले आंकड़े अपने आप में है। शमीक, आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार को क्लोजली ट्रैक करते हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो आंकड़े यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जो फोरकास्ट किया जा रहा है गोल्ड को लेकर, ये मुमकिन है? और क्या अगर इसी तरह से इन्वेस्टमेंट डिमांड गोल्ड में बढ़ती रही तो $2300 का स्तर दिख जाएगा 2018 में गोल्ड में? देखिए, मेरे ख्याल में सामने वाले दिन में मृत्युंजय 1380-1480 निकालने पड़ेगा। एंड इस साल दिवाली तक मेरे अंदाज में जो दुनिया में टर्मोइल है ब्रेक्सिट का बाद, फाइनेंशियल रिटर्न्स जितना कमती है, ये सब लेके चाइना सिचुएशन, यूरोपियन टर्मोइल, मिडल ईस्ट सब लेके ये 1480 तक अगर जाएगी तो इसका ऊपर में इसका कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं है। तो कभी कभी ओवरबॉट हो जाएगा, करेक्शन आएगी, बट अगर आप 1480 यहाँ से चले गए, लास्ट टाइम जब 1360-66 था मृत्युंजय, रूपी डॉलर 40 था, अभी 67 है, एंड इफ रूपी ऑल्सो वीकेंड्स इन द फॉरवर्ड, $1480-$1500 दिस ईयर इज नॉट ओनली वेरी मच पॉसिबल, बट इफ इट गोज देयर देन मृत्युंजय गोल्ड इज गोइंग टू 35,000 रुपीज दिस ईयर इन रूपी टर्म्स, 40,000 रुपीज देन बिकम्स द नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट ईयर, एंड इन डॉलर टर्म्स $1900 देन बिकम्स द नेक्स्ट ईयर टारगेट व्हाट वाज द ऑल टाइम हाई। अब वो सब निकालेगा, $1900 निकालेगा, तब हम सोचेंगे 2300 के बारे में। लेकिन अगर 1480 निकल जाता टेक्निकली, ओवरबॉट का करेक्शन साथ में लेते हुए, वहां से $400-450 इसको निकालने पड़ेगी। तो वो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एज यू हैव सीन इन द पास्ट बिटवीन 2004 एंड 2011, गोल्ड हैज गॉन थ्रू डीप करेक्शंस। इन 2008 इट फेल फ्रॉम 1020 टू $680 आफ्टर अ लो ऑफ $250 इन 99-2000। तो ये पूरा आंकड़ा अगर ले $250 से $1900 तक, ये 1050 में ये 50% रिट्रेसमेंट किया था। हाँ, राइट। ये टेक्निकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट करेक्ट हुआ है। हाँ। सो गोल्ड कैन क्रॉस 1480 दिस ईयर बाय दिवाली और बाय न्यू ईयर्स करेक्टली, 1480 टेक्निकली 1480 दैट इज द करेक्ट मूव, 35,000 रुपीज। ये महत्वपूर्ण लेवल आपने बताया कि इस दिवाली तक $1480 के स्तर को गोल्ड पार कर सकता है। किशोर नार ने ऐसे में जो MCX पर ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए क्या करंट मार्केट प्राइस पर आप बाइंग की सलाह देंगे इन तमाम रिपोर्ट्स को देखने के बाद? और लगता है किशोर से हमारा संपर्क टूट गया। हरीश, आपका कमेंट क्या होगा? जो रिपोर्ट्स यहां पर आ रही हैं काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं, काफी डिमांड यहां पर बढ़ी है और तमाम जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है उसके मुकाबले गोल्ड का रिटर्न काफी ज्यादा रहा है, ऐसे में क्या आपको लगता है करंट मार्केट प्राइस पर गोल्ड में बाई करके चलना चाहिए? हाय मृत्युंजय, नो डाउट गोल्ड इज आउट परफॉर्मड मेनी अदर एसेट क्लासेस, एंड आई थिंक ये जो ट्रेंड है अनडाउटेडली अभी टर्न अराउंड हो चुका है, एंड आई थिंक समहाउ गोल्ड इज गेटिंग इनटू अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑल टुगेदर। बट एक बात यह है कि टिल दिस मंथ ईयर टिल डेट के हिसाब से देखें तो ऑलरेडी 30% तक गेन कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक एटलीस्ट 1-2 मंथ्स का कंसोलिडेशन फेज रहने का पॉसिबिलिटीज ज़्यादा लग रहा है बिफोर एनी रिन्यूड अपवर्ड ट्रेंड। ऑल इन ऑल फॉर द ईयर आई थिंक 1510 इज वॉट वी आर सीइंग ऑन अपर साइड, बट आई थिंक बिफोर एनी फर्दर रैली एक अच्छा करेक्शन भी आना चाहिए। एंड एज फार एज डेज स्ट्रेटेजी इज कंसर्न्ड आई थिंक मार्केट फिर से एक बार 32,200-32,250 तक जाने का चांसेस लग रहा है, तो मे बी बाइंग ऑन डिप्स इज व्हाट वी आर व्हाट वुड बी अ गुड स्ट्रेटेजी फॉर द डे। ठीक है, तो तमाम एक्सपर्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गोल्ड में अभी तेजी दिखेगी। शमिक ने कहा है कि $1480 का स्तर आपको दिवाली तक दिखेगा, किशोर नारने का भी करीब करीब यही मानना था, और हरीश जी कह रहे हैं कि $1510 का स्तर आपको साल के अंत तक गोल्ड में दिख सकता है। इंट्राडे में भी हरीश की बाइंग की कॉल है, 31720 के स्तर पर 32,200 का टारगेट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शमिक आपका, किशोर नारने आपका और प्रदीप आपका हमसे जुड़ने के लिए और गोल्ड के ऊपर तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। तो गोल्ड के ऊपर काफी चौंकाने वाली रिपोर्ट है, तमाम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को गोल्ड ने पीछे छोड़ा है, काफी अच्छा मुनाफा यहां पर मिला है, लेकिन गोल्ड के साथ साथ चांदी की चमक भी काफी बढ़ी है और 2016 में अब तक चांदी के दाम करीब 40% तक बढ़े हैं। आज भी बाजार में करीब 1.5-2% की तेजी है, शुरुआती दौर में करीब ₹1,000 ऊपर था चांदी का भाव। हरीश, चांदी में क्या करना चाहिए?
I think it looks like a clear buy as far as day strategy is concerned. Market 50,000 से ऊपर भी जाने का chances ज़्यादा लग रहा है. Now if you look at, I think compared to gold, silver has taken a deeper correction and again rebounded. तो मेरे ख्याल से ये bounce back continue रहने का chances ज़्यादा लग रहा है. ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये बाउंस बैक कंटिन्यू रह सकता है. 40% का मुनाफा आप देख पा रहे हैं और सेंसेक्स में करीब 5-6% की तेजी आई है और सिल्वर में 48,000 के स्तर पर इंडी ट्रेड डेरिवेटिव की बाइंग की रहा है. 49,500 का टारगेट होगा. 47,600 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं. तो गोल्ड और सिल्वर में आज के लिए भी बाइंग की कॉल यहां पर एक्सपर्ट की तरफ से दी जा रही है. हरीश, आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं क्रूड की, क्योंकि क्रूड में गिरावट आई है और 2 महीने के निचले स्तर पर है कच्चे तेल का भाव. क्या क्रूड में आपको लगता है कि बिकवाली करनी चाहिए, क्योंकि यूएस में उत्पादन बढ़ने के संकेत मिले हैं, रिक्स काउंट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है? यस संजय, नाउ इफ लुक फंडामेंटल्स, आई थिंक क्रूड ऑयल का अभी भी वीक है. मार्केट इज ओवर सप्लाइड. नाउ इफ यू लुक एट यूएस का जो रिग काउंट है वो बढ़ते जा रहा है. लीबिया से, नाइजीरिया से आउटपुट बढ़ने का चांसेस लग रहा है और रशिया से जो आउटपुट है लास्ट 2 ईयर्स में इट इज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव. तो ऑल इन ऑल मेरे ख्याल से जो ग्लट लाइक सिचुएशन है वो प्रिवेल करने का चांसेस लग रहा है. एंड आई थिंक एटलीस्ट नेक्स्ट फ्यू सेशंस तक मार्केट $45 तक गिर के वहाँ कंसोलिडेट होने का चांसेस लग रहा है. एज फार एज डे स्ट्रेटजी इज कंसर्न, वी आर सीइंग अराउंड 2950-2980 काइंड ऑफ लेवल्स फॉर द डे.